नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग का 50वां मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबू धाबी में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 185 रन बोर्ड पर लगा दिए। पंजाब की तरफ से क्रिस गेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। आपको बता दें, किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज क्रिस गेल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बेहद धैर्य भरी पारी खेली, लेकिन वो अपने आईपीएल करियर का 7वां शतक लगाने से चूक गए। आईपीएल में क्रिस गेल 99 रन पर आउट होने वाले चौथे खिलाड़ी बने। उनसे पहले विराट कोहली, पृथ्वी शॉ, ईशान किशन 99 पर आउट हो चुके हैं। क्रिस गेल ने अपनी इस पारी में 63 गेंदों पर 99 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 8 छक्के और 6 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 157 का रहा। क्रिस गेल की पारी के दम पर पंजाब ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 185 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अपनी पारी में 8 छक्के लगाकर वो टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए। इसके अलावा क्रिस गेल ने आईपीएल में 29 बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का कमाल किया है। इस मामले में दूसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स हैं, जिन्होंने 18 बार ये कमाल किया है, जबकि क्रॉन पोलार्ड ने 12 बार ऐसा किया है और वो तीसरे नंबर पर हैं। आपको बता दें, इस मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। जोफ्रा आर्चर ने अपने पहले ही ओवर में मनदीप सिंह को वापस पवेलियन भेज दिया था, लेकिन इसके बाद क्रिस गेल और केएल राहुल के बीच 100 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए हुई। केएल राहुल अर्धशतक से चूक गए, लेकिन गेल ने एक छोर को संभाले रखा। गेल ने इसके बाद निकोलस पूरन के साथ भी एक बड़ी पार्टनरशिप की। गेल शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था आसानी से अपने शतक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने एक कमाल की यॉर्कर से उनका विकेट निकाल दिया। क्रिस गेल 63 गेंदों पर 99 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 8 छक्के लगाए। क्रिस गेल का विकेट पारी के आखिरी ओवर में गिरा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।